काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेलीप्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे स्टॉक क्वेरी क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। स्टॉक क्वेरी स्टॉक की सबसे महत्वपूर्ण समरी है जो आपके व्यावसायिक कामों को सरल बनाती है, साथ ही आपके काम को गति प्रदान करती है। स्टॉक क्वेरी का शाब्दिक अर्थ है स्टॉक से संबंधित प्रश्न। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्टॉक क्वेरी एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हमें किसी स्टॉक से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। यदि हम इस रिपोर्ट को जादुई रिपोर्ट कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके पहले हम आपको वीडियो नंबर 40 और 41 में स्टॉक आइटम रिपोर्ट और स्टॉक ग्रुप समरी देखना बता चुके हैं, लेकिन ये दोनों स्टॉक को देखने की बेसिक रिपोर्ट्स हैं। इनसे हमें किसी भी एक स्टॉक आइटम की पूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि स्टॉक आइटम किस ग्रुप और कैटेगरी का है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, लास्ट परचेज किस भाव की है, लास्ट सेल किस भाव से किया था, अभी कौन से गोडाउन में कितना स्टॉक है, समान कैटेगरी या समान ग्रुप का कौन सा माल कितना स्टॉक है, इस माल के सबसे बड़े सप्लायर और कस्टमर कौन कौन से हैं, यानी टॉप बायर्स और सेलर्स कौन हैं इत्यादि। यदि आप किसी स्टॉक आइटम की इन सभी जानकारियों को एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको स्टॉक क्वेरी का उपयोग करना होगा। यहाँ हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसके उपयोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए टैली में काम शुरू करते हैं। यहाँ हमने अपनी एक कंपनी ओपन कर ली है। आपको याद दिला दें कि ये वही कंपनी है जिसमें हमने गोडाउन्स और कैटेगरीज पर काम किया था। आप चाहें तो अपनी किसी भी कंपनी जिसमें आपने स्टॉक आइटम्स पर काम किया हो उसे ओपन करके हमारे बताए अनुसार काम कर सकते हैं। टेलीप्राइम में स्टॉक क्वेरी को देखने के तीन तरीके हैं, जिन्हें हम एक एक करके बताएंगे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। स्टॉक क्वेरी के लिए हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाना होगा, उसके लिए डी प्रेस करेंगे। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के लिए ई प्रेस करेंगे। अब स्टॉक क्वेरी के लिए टी प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ रही है। इसमें से हमें वो स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना होगा जिसकी हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हम सोनी टीवी 20 इंच सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे सामने सोनी टीवी 20 इंच की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ओपन हो गई है। इसमें सबसे ऊपर हमें आइटम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे स्टॉक आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसकी कैटेगरी, उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इत्यादि। यदि आपने अपनी कंपनी में जीएसटी इनेबल किया हुआ है तो आप इसी स्क्रीन पर इस आइटम पर जीएसटी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे। यहाँ शो स्टेट इन्फो को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जीएसटी की डिटेल तो आ रही है पर जीएसटी के रेट में जीरो आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इस कंपनी में जीएसटी तो इनेबल किया हुआ है पर जीएसटी की कोई डिटेल नहीं दी है। यदि आपने जीएसटी इनेबल करके उसकी कोई डिटेल्स दी होंगी तो वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। हम वापस F12 प्रेस करके शो स्टेट इन्फो को नो कर देते हैं। इस रिपोर्ट में आप नीचे की ओर चार भाग देख रहे हैं। इसमें पहला भाग है परचेस का, दूसरा है सेल्स का, तीसरा है गोडाउन का और चौथा है कैटेगरी का। चलिए इन चारों को एक एक करके समझा देते हैं। पहला भाग है परचेस का। इसमें सबसे ऊपर लास्ट परचेज ऑन के आगे इस आइटम की आखिरी परचेज की डिटेल आ रही है और उसके नीचे एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है जिसमें सबसे ऊपर आखिरी परचेज है और उसके बाद एक एक करके उसके पहले वाली परचेज दिखाई पड़ रही है। यानी ये जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी घटते क्रम में है। इस लिस्ट से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये आइटम हमने किस तारीख को किस पार्टी से कितना खरीदा और किस भाव में खरीदा। यदि आप किसी परचेस का वाउचर देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर इंटरप्रेस करके देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं सेल्स वाले भाग की। परचेज की तरह ही इसमें सेल्स की डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान दें, परचेज और सेल्स में बाय डिफॉल्ट अधिकतम 5-5 ट्रांजेक्शन्स ही दिखाई पड़ते हैं। आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए F12 प्रेस करें। अब यहाँ नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन्स टू शो के आगे वो नंबर टाइप करें जितने ट्रांजेक्शन्स आप देखना चाहते हैं। हम 10 टाइप करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स और बढ़ गए हैं, पर ये 10 नहीं है क्योंकि अभी हमारी कंपनी में कुल इतने ही ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अगर हमारी कंपनी में 10 से अधिक ट्रांजेक्शन्स होते तो यहाँ पर उसमें से आखिरी के 10 दिखाई देते। चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाग की। यदि आपने अपनी कंपनी में गोडाउन बनाए हुए हैं तो यहाँ उनकी डिटेल दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमने अपनी कंपनी में गोडाउन्स बनाए हुए हैं तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि हमारे किस गोडाउन में सोनी टीवी 20 इंचेस का कितना स्टॉक है। अब हम बताते हैं चौथे भाग के बारे में। इसमें हम जिस आइटम की रिपोर्ट देख रहे हैं, यदि हमने उसे कोई कैटेगरी बनाकर उसमें रखा है तो उस कैटेगरी में जितने भी स्टॉक आइटम्स होंगे उनके नाम, अवेलेबल क्वांटिटी, कॉस्ट और सेल प्राइस यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जिस आइटम की रिपोर्ट देख रहे हैं उसे हमने जिस भी ग्रुप में बनाया है, यदि हम उस ग्रुप में बने सभी स्टॉक आइटम्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करेंगे। अब शो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप को यस करेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ऐसा करते ही सेम कैटेगरी वाले आइटम की जगह पर उस ग्रुप के अंतर्गत बने सभी स्टॉक आइटम्स के नाम, अवेलेबल क्वांटिटी, कॉस्ट और सेल प्राइस दिखाई पड़ रही है। अब हम वापस पहले वाली स्थिति में चलते हैं। उसके लिए फिर से F12 प्रेस करेंगे और शो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप को नो कर देंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी रिपोर्ट पर रहते हुए आप कुछ अन्य रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए चेंज व्यू पर माउस से क्लिक करें या फिर उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल और H प्रेस करें। देखिए रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंतर्गत कुछ नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। हम टॉप बायर्स एंड सेलर्स पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा करते ही बेस्ड ऑन वैल्यू यानी मूल्य के आधार पर इस आइटम के लिए टॉप बायर्स और सेलर्स दोनों की परचेज और सेल्स की रिपोर्ट आ रही है। चलिए पहले बात करते हैं परचेज की। हमने जिससे सबसे ज्यादा रुपए का माल खरीदा है उसका नाम, क्वांटिटी और वैल्यू सबसे ऊपर आ रहे हैं और उसके बाद क्रमशः उससे कम अमाउंट की परचेज जिस पार्टी से की है उसकी डिटेल आ रही है। इसी तरह सेल्स में भी हमने सबसे ज्यादा अमाउंट का माल जिसे बेचा है उसकी डिटेल सबसे ऊपर आ रही है और उसके बाद क्रमशः उससे कम अमाउंट वाले कस्टमर्स की डिटेल आ रही है, यानी ये भी घटते क्रम में है। इस रिपोर्ट को यदि आप बेस्ड ऑन वैल्यू के बजाय बेस्ड ऑन क्वांटिटी यानी क्वांटिटी के आधार पर देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें, क्वांटिटी वाइज पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए ऐसा करते ही रिपोर्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटी आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाली पार्टी की डिटेल ऊपर आ रही है और उसके बाद उससे कम क्वांटिटी वाली पार्टी की डिटेल्स आ रही हैं। यदि आप वापस बेस्ड ऑन वैल्यू वाली रिपोर्ट चाहते हैं तो F12 प्रेस करके कर सकते हैं। इस तरह की लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा हमें सेल्स में मिलता है। मान लीजिए हमने कोई आइटम बड़ी मात्रा में खरीद लिया है और हम उसे बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस लिस्ट में से बड़े बड़े कस्टमर्स के नाम देखकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपना माल आसानी से बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं। अब यदि आप किसी दूसरे स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इसी स्क्रीन पर रहते हुए F4 प्रेस करें। अब लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से दूसरे आइटम को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए सिलेक्ट किए गए आइटम की रिपोर्ट आ रही है।
चलिए अब आपको इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बता देते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारा एक पुराना ग्राहक बालाजी ट्रेडर्स आया और उसने हमसे कहा कि 20 इंचेस वाले सोनी टीवी के दो नग दे दीजिए। हमने बिल बनाना शुरू किया हमने आइटम का नाम सेलेक्ट किया और उसने हमसे कुछ सवाल जवाब किए। उसने पूछा सोनी टीवी 20 इंचेस का क्या रेट है। हमने कहा वही है जो पिछली बार था। उसने पूछा पिछली बार क्या रेट था। अब हमें या तो पार्टी का लेजर खोलकर देखना होगा या स्टॉक आइटम की रिपोर्ट खोलकर देखनी होगी, तब जाकर हम उसको पिछली बार का रेट बता सकेंगे। पर यदि आप ये काम शीघ्रता से करना चाहते हैं तो बैकस्पेस की प्रेस करके स्टॉक आइटम के नाम पर आ जाएं और अब ऑल्टर और एस प्रेस करें। देखिए उस आइटम की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट आ रही है। इसमें सेल्स वाले भाग में सेल्स के आगे उसी पार्टी का नाम आ रहा है जिसका हम बिल बना रहे हैं। साथ ही पहले हमने उसे कब, कितना और किस भाव में ये आइटम बेचा है उसकी डिटेल आ रही है। हमने पिछला भाव देखकर उसे आसानी से बता दिया। उसने फिर पूछा अभी आपकी मेन लोकेशन यानी वेयर हाउस 1 पर 20 इंचेस वाले सोनी टीवी कितने हैं, बताएं मैं सभी ले लूंगा। हमने अपना स्टॉक बता दिया। उसने हमसे फिर एक प्रश्न किया आपके पास और कौन कौन सी कंपनी के 20 इंचेस वाले टीवी अवेलेबल हैं। हमने आइटम ऑफ सेम कैटेगरी में देखकर अन्य कंपनियों के नाम बता दिए। उसने फिर एक प्रश्न किया सोनी के और कौन कौन सी साइज के टीवी आपके पास हैं। हमने F12 प्रेस किया और शो स्टॉक आइटम्स ऑफ द सेम स्टॉक ग्रुप को यस करके अन्य साइज के सोनी टीवी की जानकारी दे दी। इसी तरह कस्टमर किसी अन्य आइटम के बारे में भी जानकारी मांगे तो आप F4 प्रेस करके यहीं से उसे दूसरे आइटम की भी पूरी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि बिल बनाते समय ही हम किसी भी स्टॉक आइटम से संबंधित सभी जानकारी इस स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब स्टॉक क्वेरी देखने का एक तरीका और बता देते हैं। जब आप टैली में कोई काम कर रहे होते हैं और उसे बंद किए बिना आपको स्टॉक क्वेरी देखना हो तो आप गो टू पर माउस से क्लिक करें या ऑल्टर और जी प्रेस करें। देखिए कॉमन रिपोर्ट के अंतर्गत स्टॉक क्वेरी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो इस वीडियो में आज आपने स्टॉक क्वेरी से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।